पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप असल अब एक तरीके से शुरू हो गया, क्योंकि यहां से वापसी नहीं है। यहां से आप पीछे मुड़के नहीं देख सकते, आपको सारे मैचेस जीतने, चाहे आप बेशक सिर्फ अभी तक एक मैच हारे हो, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान के लिए वापसी नहीं है। पाकिस्तान को अगले सारे मैचेस जीतने हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अब्दुल्ला भाई ने प्रिडिक्शन की थी, टॉप टू में डिसाइड किया था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का फाइनल होगा, रिजवान भाई ने भी ये की थी। हालांकि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान टॉप टू के अंदर जाएगी, लेकिन अब्दुल्ला भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनसे मैं जानना चाहूंगा, अब्दुल्ला भाई पाकिस्तान को बड़ा ही हैवी किस्म का कमबैक करके पाकिस्तान को टॉप टू के अंदर क्वालिफाई करना है। दूसरी तरफ अगर हम देखें इंडिया को, तो इंडिया की साइड और न्यूजीलैंड की साइड बड़ी बैलेंस नजर आ रही है। पाकिस्तान को वो क्या चीजें हैं जो अडॉप्ट करनी पड़नी है इंडिया की टीम से, न्यूजीलैंड की टीम से, जो पाकिस्तान को ये टॉप टू खेलना पड़ना है? और पहले ये बताएं कि आपको क्या लगता है कहां से पाकिस्तान कैसे कमबैक कर सकता है हैवी किस्म का? देखें, सबसे पहले तो बात ये है कि आपने कहा कि इंडिया की टीम से, न्यूजीलैंड की टीम से, मैं क्या क्वेक कर देखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि यार हमारी अपनी टीम में एबिलिटीज हैं ऐसी कि हम लोग उन्हीं चीजों को ठीक कर लेना तो हमारी टीम भी बड़ी बैलेंस और बड़ी अच्छी बन सकती है। हमें दूसरी टीम की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। हमारे पास बॉलिंग बड़ी अच्छी हुआ करती थी 2 महीने पहले, नसीम शाह के जाने से अगर देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि उसकी वजह से इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि हसन अली उसकी जगह विकेट्स ले रहा है। हसन अली बॉलिंग बेहतर कर रहा है, ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी कर रहा है, लेकिन वो बहुत बेहतर भी कर रहा है। उसके अलावा हमारा एक ही इशू है, वो है शादाब खान और नवाज। नवाज को मैं नहीं समझता कि हमें ना हटाना चाहिए। नवाज बॉलिंग बेहतर कर रहा है पहले से। मुझे पिछले मैच में ना इंडिया के खिलाफ जब 20-22 आवर्स हो गए थे ना, उसके बाद ना मुझे उसका बॉल मूव होता भी अच्छा लग रहा था और मुझे इम्प्रूवमेंट उसकी लग रही थी। लेकिन जहां तक शादाब की बात है ना, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। वो वैसे ही बड़ी फुल टॉस बॉलें दे रहा है, बहुत पीछे दे देता है बॉल, एक आधी बॉल बीच में से अच्छी करता है, बाकी सारी बॉल जो है ना बेकार। वो भूल चुका हुआ है कि उसने बॉल किस लाइन और लेंथ पे करनी है और किस तरह देनी है। मैंने नोट किया है वो जरा भी फ्राइड नहीं देता। आप कल मैच देख लें, जो जैम्पा ने जो जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के मैच में बड़ा जबरदस्त उसने कमबैक किया, मैं बड़ा खुश हूँ कि उसके उसका कमबैक देख के। उसने फ्लाइट्स बहुत दी हैं, फ्लाइट्स दे के ठप्पा ऊपर जा रहा है, बॉल ऊपर जा रहा है और LBW हो रहा है, थोड़े थोड़े मार्जिन से बैट्समैन मिस हो रहा है। तो इस तरह ही शादाब को भी चाहिए, लेकिन वो शादाब तेज बॉल फेंकता है। मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी हमारी खामी है जिसपे हम कंट्रोल कर सकते हैं। वो इस तरह शादाब को बिठाए, उसामा मेरे को ले गए। देखे, शादाब से वैसे ही कुछ नहीं हो रहा, हमने उसको आगे खिला के और क्या कर लेना है। एटलीस्ट उसामा मीर उससे अच्छी ना सही, कम से कम अगर उसके जितनी भी परफॉर्मेंस दे रहे तो वो भी हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि उसने तो ODI खेले नहीं हुए। सबसे बड़ा उसका ये भी मसला है, हमने शादाब को कभी टेस्ट मैच खिलाया ही नहीं। मुझे नहीं याद आ रहा कि मैंने कभी शादाब को किसी टेस्ट मैच में कोई अच्छी बॉलिंग करते हुए देखा हो। बाकी मेरा ख्याल है एक ये हमारा अच्छा हल है, अगर हम ये इस पे हम काम करें, अगर हम उसामा मीर को लेके आते हैं, उस बेचारे को अगर वाइस कैप्टन है वो शादाब, उस वाइस कैप्टन होने की वजह से हम उसको मार्जिन देते रहते हैं, ये एक बोल्ड डिसीजन होना चाहिए और उसको फारग करना चाहिए और उसामा मीर को आना चाहिए। और जहां तक बात है हमारे ओपनर्स की, मेरा ख्याल है कि अब्दुल्ला शफीक बड़ी बेहतर ऑप्शन है। अब्दुल्ला शफीक ना जरा समझ के खेलने वाला बंदा है, लेकिन वो तब उसकी बैड लक थी, बॉल उस तरह ठप्पा लग के उठा नहीं जितना उठना चाहिए था, और वो बॉल इतना बुरा भी नहीं था, वो बॉल बड़ा इनस्विंग हुआ था, अंदर आया था। लेकिन जिस तरह इमाम आउट हुआ है, मैं इमाम को नोट कर रहा हूँ, उससे कवर ड्राइव नहीं लगती, वो हर दफा जो है ना वो आउट हो जाता है किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो यहाँ पे हो चाहे वो पुल मारने जा रहा हो, वो आउट होता है। लेकिन मुझे लगता है कि यार हमें ना क्या फर्क पड़ता है, अगर हमने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है ना, हमारे पास अटैकिंग क्रिकेट खेलने वाला ओपनर्स में या फखर जमान है, वो भी फॉर्म में नहीं है और हम उसको खिला नहीं रहे, या हमारे पास एक लड़का हारिस है, अच्छा ऑप्शन है। मुझे ऐसा फील होता है कि हमें ना आगे हारिस को भी चांस देना। अच्छा, वैसे मजे की बात है, वो जो सवाल आपसे मैंने पूछा था ना, पाकिस्तान को ऐसा स्ट्रॉन्ग कमबैक करने के लिए क्या करना पड़ना है, इतिहास गवाह रहा है जब जब कोई बेंच से लड़का उठकर आया टीम के अंदर तो पाकिस्तान की टीम नो फ्रॉप जीतती है। तो इस वक्त जो बेंच पे लड़का है वो हारिस ही है, ऐसा लड़का, और हारिस ऐसा कुछ कर सकता है, लेकिन हारिस को कैसे लाया जा सकता है टीम के अंदर, ये देखना होगा। ये बड़े बहाने हैं, आपको पता है, कोई इंजर्ड करा दे, कोई कुछ करा दे, वो आ जाता होता है, वो इतना इशू नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आपका माइंड है कि आपने उसको लेके आना है। अगर आपने उसको लेके आना है ना,
तो आपको उसको पूरा चांस देना पड़ेगा, उसको और पूरा यकीन करें कि अगर वो आके खेलता है तो उसने सबके दिल भी जीत लिए हैं भाई। अगर वो आके 30-40 भी कर देता ना जल्दी में तो वो भी बड़ा है, बड़ा अटैक होगा। आपको आपको स्टार्ट अच्छा मिल जाएगा। आप वो लड़का ऐसे खेलते, आप ये देखें कितनी हमारे लिए एक बेशर्मी की बात है, सॉरी टू से, ये हमारे लिए बड़ी बेशर्मी की बात है कि 2023 में अब तक मेरा ख्याल 1000 बॉल एक छक्का नहीं मारा, वो मार सकता है, वो आते साथ ही मार सकता है, नहीं मार अब्दुल्ला शफीक भी सकता है, लेकिन बात ये है कि वो उस तरह का प्लेयर नहीं है, वो टाइम लेगा, वो उतना टाइम लेता है, अपनी इनिंग को बिल्ड करता है फिर लेके जाता है। जो हारिस है ना, उसने आपको क्या किया, उसका काम, उसको आप ये जॉब दे देंगे भाई आपने हमें ना अच्छा स्टार्ट देना है, बस वो आपको स्टार्ट देगा और वो मेरा ख्याल है कि वो परफॉर्म जरूर करेगा, क्योंकि ऐसे जो लड़के होते हैं ना इनको दूसरों से ज्यादा चाह होती है कि यार मैं परफॉर्म करके दिखाऊं, और अगर वो परफॉर्म करता है तो वो आगे भी हमारे लिए बड़ा अच्छा साबित हो सकता है। मेरा ख्याल है कि हारिस को ट्राई कर लेना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, देखिए वैसे भी कौन सा हमारे ओपनर्स रन कर रहे हैं, तो अगर हारिस बेचारे को भी मौका दे के एक दो मैचेस में देख लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, शायद वो 30-35 रन कर ही जाए आपके लिए अच्छे रन। अगर आपने ओपोजिशन टीम की पावर प्ले में लाइन और लेंथ बिगाड़ दी, खराब कर दी, तो वो आगे पूरा मैच जो है ना वो थोड़ा बहुत उनको संभलने में टाइम लगता है। तो मेरा ख्याल है कि हारिस को ट्राई करना चाहिए, बाकी ठीक है। अगर आपने हारिस को ट्राई नहीं भी करना ना, तो फिर बाबर को अब्दुल्ला के साथ ओपनिंग करनी चाहिए और फखर जमान को वन डाउन आना चाहिए। ओ, ये भी अच्छी एक सोच है, ये अच्छा सोच है। इस तरह हमें चेंजिंग करनी ही पड़नी है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही ये है, हमें बॉल डिसीजन लेने पड़ने। मेरा ख्याल है हमारी फास्ट बॉलिंग ठीक है, उसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, वो जैसी है वैसी ठीक है, वो थोड़ा बहुत वो तरह थोड़ी बहुत कम मकली से काम लेते हैं, लेकिन बेहतर है हमें अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अगर हम अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो ये वर्ल्ड कप हमारे बस में नहीं है। अच्छा, ये तो आपने कर दी पाकिस्तान कम बैक करने के लिए, क्या चीजें जरूरी है, मुझे ये बताएं कि क्या इंडिया आपको ये वर्ल्ड कप जीतता नजर आ रहा है? भाई नजर आ रहा है, मैं आपकी क्या मुझसे बात पूछ रहे हैं, ये साफ साफ नजर आ रहा है। इस वक्त अगर 10 टीम्स में से कोई एक टीम आप मुझे कहे ना श्योर हूं मैं कि वो जीत सकता है, वो फाइनल में जा सकती है, तो वो इंडिया। अच्छा, कहने को तो न्यूजीलैंड भी है, लेकिन न्यूजीलैंड में पता है ना कि एंड में जाके चौक कट जाता होता है, न्यूजीलैंड चौक कट जाता होता है, लेकिन इंडिया अगर पहुंच गया फाइनल में तो इंडिया कंफर्म जीत जाएगा। न्यूजीलैंड चौक कट जाता है, लेकिन न्यूजीलैंड अक्सर होता है ज्यादातर वो फाइनल या सेमीफाइनल में जरूर जाता है। अगर न्यूजीलैंड फाइनल में या सेमीफाइनल में जाता है तो मेरा ख्याल है कि न्यूजीलैंड ना वैसे भी साइकोलॉजिकल एक तरह का फैक्ट रखती है, इंडिया के ऊपर थोड़ा सा एज रखते हैं वो, लेकिन फिर भी वो चौक कर जाएंगे, वो इंडिया अपने घर में ऐसा कुछ भी करके जीत जाएगा, अगर प्रेशर बड़ा होना न्यूजीलैंड पे। मैं आपको बताऊं, अगर इंडिया फाइनल में जाता है ना तो इंडिया को ना बड़ी मुश्किल होगी हराने में। इंडिया को हरा कौन सकता है, इंडिया को अगर आपने हराना है, इंडिया को सेमीफाइनल में हरा सकते हो, इंडिया को फाइनल में हराने के लिए मुझे नहीं लगता आप हरा सकते। अहमदाबाद में मैच होगा, फुल क्राउड सपोर्ट में होगा, जिस तरह का अहमदाबाद में क्राउड है वो तो आपको नहीं खेलने दे। हाँ, लेकिन एक बात मैंने ना पाकिस्तान इंडिया के मैच में एक बात नोट की थी, अगर आप इंडिया पे अटैक करते रहे ना, अहमदाबाद का क्राउड आपको नहीं कुछ कहेगा, वो बोलेगा ही नहीं। हाँ, प्रेशर डालने की पूरी कोशिश करेंगे वो, जिस तरह की उन्होंने मैंने वीडियोस देखी, जिस तरह उन्होंने किया है वो जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप बाउंड्रीज मारते रहेंगे ना, अगर आप अटैक करेंगे तो इंडिया का क्राउड आपका नहीं कुछ बिगाड़ सकता, ये मैंने नोट किया है। जिस तरह चौके जा रहे थे आपने नोट किया होगा, इंडिया उनको शाम सूंघा हुआ था, चौका जाता था पता नहीं लगता था कि चौका हो रहा है वो। अगर आपने इंडिया के क्राउड को चुप कराना है ना, तो आपके पास यही एक मौका है कि आप उनको अटैक करें। ये भी मुझे बताएं कि इंडिया ने अपने पहले 3 मैचेस तो जीत लिए हैं, अगले 6 मैचेस में से इंडिया के पास आपको लगता है कोई एक आधा मैच ये लोग हार सकते हैं? देखिए, इंडिया जो है ना, मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में से किसी में से हार सकता है। एक ही मैच आपको हारता नजर आ रहा है? एक मैच इंडिया, एक ही मैच हारेगा अपना, या वो इंग्लैंड के थ्रू आएगा या वो। क्या लगता है आपको को इंडिया को शामी को भी चेक करना चाहिए इस वर्ल्ड कप के अंदर? यार वैसे मैं बताऊं आपको, मेरा ख्याल है कि इंडिया की बैटिंग बड़ी अच्छी है, बहुत जबरदस्त बैटिंग है उनके पास, और उनकी बैटिंग है भी बहुत लंबी। इस तरह की पिचेस पे इंडिया को इतनी लंबी बैटिंग की जरूरत नहीं है, उनको ना अपने जो इन्होंने अभी पीछे फास्ट बॉलर खिलाया शार्दुल ठाकुर, उसको बिठा के मेरा ख्याल है कि शामी को ट्राई करना चाहिए। अगर वो उसको बिठा के शामी को ट्राई करते हैं तो वो उससे बेटर रिजल्ट दे सकता है। मेरा नहीं ख्याल कि इनको इतनी बैटिंग की जरूरत है, इनके पास बैटिंग बड़ी अच्छी है, इनके पास डिपेंडेबल बैट्समैन है,
आप उन पे डिपेंड कर सकते हैं। मैं तो ये चाहूंगा कि अगले मैचेस में, चाहे अगले दो से तीन मैचेस में, इंडिया पहले बल्लेबाजी करे। अभी तक इंडिया चेस करता आ रहा है, चेस करता इंडिया को पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया की टीम वो टीम है जो सारे चांसेस वर्ल्ड कप के अंदर लगा सकती है। और पहले बल्लेबाजी करके आपको प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, बड़ी टीम के खिलाफ भी बल्लेबाजी करे, छोटी टीम के खिलाफ भी। अभी बांग्लादेश के साथ आपका मैच है, पहले बल्लेबाजी करे, लगाएं बोर्ड के ऊपर स्कोर, मजा आएगा देखने का। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इंडिया तो सही बात है इसमें वर्ल्ड कप जीता तो नजर आ रहा है, और मुझे तो टॉप टू के अंदर इंडिया न्यूजीलैंड जाते नजर आ रहे हैं, और मुझे तो फाइनल भी इंडिया जीता नजर आ रहा है। आपने प्रिडिक्ट किया हुआ है इंडिया और पाकिस्तान टॉप टू में, लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान फाइनल में इंडिया को हरा देगी, इसके पीछे का रीजन बताए जरा। देखें, एक दफा जो हमारी टीम के साथ हो गई है ना अहमदाबाद, मैं मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें दोबारा अहमदाबाद में मौका मिलता है ना, वो भी फाइनल खेलने का, तो हम इनको हरा देंगे। और आप ये भी देखेंगे पाकिस्तान का अगर फाइनल में मुकाबला इंडिया से होता है ना, तो तब प्रेशर इंडिया पे होता है ज़्यादा, पाकिस्तान पे इतना नहीं होता। और इस दफा मुझे लगता है कि हम ज़्यादा अच्छी प्लानिंग के साथ भी आ सकेंगे। और जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ, पहला ग्रुप का मैच हम हार गए, उसके बाद जब फाइनल में गए तो आपको पता है इंडिया फेवरेट था, इंडिया जीतेगा, पाकिस्तान ने कहाँ जीतना, लेकिन पाकिस्तान ने फिर बड़े मार्जिन से हराया था। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम फाइनल में जाते हैं ना, तो पाकिस्तान को थोड़े ज्यादा चांसेस ज्यादा होंगे। अगर मैंने वैसे प्रिडिक्ट नहीं किया हुआ पाकिस्तान टॉप टू में जाएगा, लेकिन अगर जाएगा तो मैं भी इसके साथ एग्री करूंगा। इंडिया अगर फाइनल में जाता है किसी और टीम के खिलाफ, तो इंडिया जीतेगा, आराम से जीतेगा। लेकिन अगर इंडिया को कोई टीम हरा सकती है, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड, अगर इंडिया को कोई टीम हरा सकती है ना, तो वो मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया ने कहाँ जाना है यार। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि ये वो है जो फाइनल का प्रेशर खेलना जानते हैं, इनको फाइनल खेलने की आदत है, ये विनर्स है, चैंपियंस है। और पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड अगर फाइनल में गया तो इंडिया आराम से फाइनल जीत जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आज फिर सारी की सारी अपडेट आपके साथ दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक के लिए